हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई गाइस आपके प्यार के साथ। तो अभी हो रही है गाइस बहुत तेज की बारिश, और मैं सोच रही थी कि ऑफिस के लिए निकलूँ अभी, पर बारिश हो गई। पर मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया ऑफिस में सर को कि सर बारिश हो रही तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। तो ऑलरेडी वो भी लेट हो रहे थे, सारे ऑफिस में लेट थे। मैंने जिस चीज़ को कॉल करा सब लेट थे आज, तो मतलब मैं भी लेटी हूँ फिलहाल। तो अभी बारिश बंद हो जाएगी 10, 10:30 बजे, जितने बजे भी। तो मैंने सर को बोला कि मैं सर 10:30 बजे तक आ जाऊँगी, क्योंकि अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी बादल इतने तेज़ गरज रहे हैं और बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि निकल नहीं सकती मैं गैस, क्योंकि स्कूटी पे जाना है मुझे। और इन शॉर्ट अगर मुझे बाहर तक भी जाना है, अगर मैं सोचूं बैटरी वाला रिक्शा ले लूं तो मैं वो भी नहीं ले सकती, क्योंकि बाहर तक ही मुझे जाना पड़ेगा तो भी मैं गीला हो जाऊँगी। तो तभी करके मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ और उसके बाद ही निकलूँगी। तो बस अभी काम मेरा ख़त्म हो चुका है, रौनक भी उठ चुका है, और रौनक जाएगा अभी मंदिर, क्योंकि मैंने उसको बोला कि आज चला जाए वीरवार है, माथा टेकाई हो तो वो मंदिर जाएगा गाइस। तो इसलिए उसका नाश्ता पानी उसको दे दिया। मेरा काम ख़त्म हो चुका है, पूजा भी हो गई है, बस अभी मैं ये सोच रही हूँ कि कब बारिश बंद हो और कब मैं ऑफिस के लिए निकलूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो आज गाइस हो रही है सुबह सुबह बहुत तेज की बारिश, और अभी बच रहे हैं 7:15, और बारिश का हाल देखो। और मैं जाऊँगी ऑफिस कैसे ये मुझे पता नहीं, क्योंकि 10 बजे तक बारिश बंद हो जाएगी तो देखते हैं। अदरवाइज अभी तो बहुत ही बारिश हो रही है, पर मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे मैडम कोको रानी बहुत ही उदास है। मेरी कोको चूची ची कोको उदास क्यों है? ये देखते भी नहीं है, गुच्छा हुई पड़ी है। क्या ये घर में कोई नहीं है? घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अरे देखते क्यों नहीं? गुस्सा और माय गॉड, बच्चा देखता भी नहीं है मुझको। मुझे गुच्छी गुच्छी क्या हो गया तुझे? कोको कहा है? चीना कहा है? चीना चीना दीदी कहा है? ललता मम्मा कहा है? कोई नहीं दिखता चीको, कोई नहीं दिखता। पूछ गए चल देखे, कुछ को ढूंढ दे, चला आजा आ जा तुम। देखो हाँ जी मैडम, अरे पापा नहीं आए अभी तक, क्या हुआ? कहाँ से आई है तू? अभी कहाँ से आई है? अच्छा ललता मम्मा कहा है तेरी? ललता चीना गोलू चल खेली खेली करो, खेली खेली करो। झूम क्यों रही है? देखो कैसे मुड़ती है। कोको मैगी खाएगी, कोको मैगी खाएगी, मैगी दे दो। ओवर एक्टिंग मत करो यार, उसके सामने वो परेशान हो जाती तभी भाग जाती है वो। फ्री टाइम कोको कोको घड़ी पहन तू आज। एक से कहाँ गई घड़ी? ऐसा ऐसे रुक, पहनानी है मेरे को, उसको देखना है कैसे लगी। जो एक सेकंड देखने दो कोको, रुक जा कोको, घड़ी पहनेगी मेरी घड़ी तोड़ देगी ये यार, रुक जा। नहीं पहनने का मन, समय समय बताती है घड़ी, समय बताती है कि तेरा समय अच्छा चल रहा है बुरा। टाइम आ गया है 10 खाने का, देख ले देख ले। वो देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, मेरी सुंदरी है सुंदरी। अपने काम से मतलब रखती सिर्फ डर गई ऐसे वैसे वो ही ऐसे मतलब शौक हुई। ओ मार दिया मुंह लगा के भाग दी जूठा करके। तो मीनाक्षी शर्मा जी, मैं आपका नाम इसलिए अपने ब्लॉग में ले रही हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे जिसका मुझे रिप्लाई करना जरूरी हो गया, क्योंकि फिर सब लोग कहते हैं कि आप इग्नोर करो, बैड कमेंट्स जो होते हैं वो इग्नोर करो। पहले मुझे एक बात बताओ, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, 4 फैमिलीज रहते हैं हमारे घर में, 4 भाई हैं, 4 फैमिली इकट्ठी रहती है, और हम एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? पहले तो मुझे आप ये बताइए। मैं किसी के साथ रूड बात करना ही नहीं चाहती, ना मैंने जिंदगी में कभी करी है, और मुझे पसंद ही नहीं कि किसी की बात को मैं काटूं या मैं किसी को रूड करके या जवाब दूं, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे नेचर में ही नहीं है पहली बात तो। और आपके जो कमेंट्स आ रहे ना कि उनके कमेंट में घुसी रहती है, इसका अपना कोई कंटेंट नहीं होता, इसका ये नहीं होता, इसका वो नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, हम सीरियल भी देखते हैं, जब सीरियल जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक घर के अंदर तो सब लोग घूम रहे होते हैं, हम इंटरेस्ट लेके देखते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि ठीक है अब हमारी इतनी इंटरेस्टेड चीजें नहीं है अभी, तो फिलहाल अभी तक अभी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आगे भी नहीं होगा। आप ऐसे कमेंट करके डीमोटिवेट क्यों करते हो किसी को? नहीं करना चाहिए ना। एक बात, अगर आपको अच्छा नहीं लगता हमारा ब्लॉग देखना
कि हमारे ब्लॉग में कुछ नहीं होता, आपके ब्लॉग में होता क्या है? अगर आपको हमारे ब्लॉग में कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर आप मत देखिए ना हमारा ब्लॉग। आपको कौन बोल रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो? मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रही थी, पर आपके कमेंट्स पढ़ के मैं उनके कमरे में घुस रहती। भाई मैं तो घुसूंगी उनके कमरे, मेरी फैमिली मेंबर्स है, मेरा मन लगता है, मैं खुश होती हूँ उनके साथ। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, अब लोग सब लोग गए हुए हैं, मैं किसके कमरे में घुस रही हूँ बताना जरा आप मुझे एक बार। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि देखना है, तो आप मुझे एक बार ब्लॉग में देखने के बाद कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर बताना कि अभी ललिता भाभी नहीं है, चीना नहीं है, गोल्डी भैया नहीं है, डॉली भाभी नहीं है, कोई नहीं है, तो अब मैं क्या अपने कमरे में बैठे सज के बैठी रहूँ? ऐसी मैं किसी से बात नहीं कर रही, मेरा मन नहीं लग रहा। हमारी फैमिली है, हम सबसे सब में प्यार है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्डी भैया का ब्लॉग अच्छा होता है भाई, बहुत अच्छा होता है, हम खुद कहते हैं उनका ब्लॉग बहुत अच्छा है, मजा आता है हमें देखकर। बाहर जाते हैं भाई, उनकी मियाँ बीबी की नोकझोंक अच्छी लगती है, उनके बच्चों के साथ उनका अच्छा लगता है, वो बाहर जाके बहुत मेहनत करते हैं, बनाते हैं, हमें तो अच्छा। पर हम कभी कभी रात को उनके वहाँ पे कमरे में जाके उनके साथ ही देखते हैं, मतलब उनकी टीवी पे बड़ा, उनका टीवी बड़ा है तो हम उनका स्मार्ट टीवी है तो हम उधर उनके कमरे में जाके एंजॉय करते हैं उनका ब्लॉग, हो फैमिली चैनल सबका देखते हैं, गोलू पायल या संदीप का हो या तो फिर उनका अपना हो या हमारा हो, हम देखते हैं इकट्ठे, सबका देखते हैं बैठ। हर चीज हम आपको करके नहीं दिखा सकते ना कि ठीक है हम इस टाइम पे अब 2:02 हम ये कर रहे हैं या हम 10:05 में ये कर रहे हैं, हम वो चीजें नहीं कर सकते ना। हमारा 10 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें हम जितना दिखा सकते हैं हम उतना ही दिखा सकते हैं, और आगे चल के हम अपनी चीज को अपनी इम्प्रूव जरूर करेंगे गाइस। इस चीज के लिए अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ बोलने का काम है, इसको बोलती रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो चैनल है ना और हमारा जो व्लॉग है ना वो बोलने वाला ही व्लॉग है, क्योंकि सीरियल जब हम देखते हैं तो सिर्फ बोल ही रहे होते हैं, कोई और कुछ तो या मार कुटाई तो हम कर नहीं देते कि हाँ ललिता भाभी के साथ लड़ाई होगी वो दिखाना है हमें, या गोल्डी भैया के साथ लड़ाई होगी, या सोने भाभी डॉली भाभी के साथ लड़ाई होगी, तो निक्की को ये चीज दिखानी है, वो चीज आपको गाइस जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। हमारी टचवुड हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार है और वो हमेशा बना रहेगा, पर प्लीज ऐसे कमेंट मत करो कि मैं उनके कमरे में घुसी रहती हूँ, वो तो आगे भी आप दिखोगे हम हमेशा ही घुसे रहेंगे उनके कमरे में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं घुसना है, कल घुसेंगे जब वो आ जाएंगे, क्योंकि किचन में भी मैं तो बड़े पापा के साथ ही बैठा हूँ, अभी 3-4 घंटे से उधर ही बैठा हुआ था, मम्मी यहाँ पर ललिता मम्मा से बात कर रही थी कॉल पर, और मैं बड़े पापा के साथ बिग बॉस देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। उनको खुद मन नहीं लगता है, अब वो इधर आके वो बैठे तो आप लोग तो उसमें बात उठा दो की भैया भी नहीं है यहाँ क्या बैठते हैं, ये क्या बात है भैया, फैमिली है, भाई बहन है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, एक परिवार तो रह रहे हैं, अलग कभी जिंदगी में हो गए तो कौन आ रहा है किसी के घर में? आप खुद सोचो 2 महीने बाद 4 महीने बाद एक बार कोई आ जाएगा ना, किसी के पास वक्त नहीं है गाइस। हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के अपनी फैमिली को टाइम देते हैं पहले, ठीक है, रोटी सब्जी सब खा लेते हैं अपने अपने टाइम पे बना के, पर फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। और मेन चीज ये है, सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज बोलूँ कि मेरा मन लगता है अपनी फैमिली के साथ, अगर मेरी फैमिली अभी सपोर्ट नहीं कर रही होती तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती। ये तो मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मेरे बच्चे का सपोर्ट है, आप मेरी यूट्यूब फैमिली का प्यार है, जिन्होंने एकदम से थोड़ा सा कर दिया, हमें आगे बढ़ा दिया, तो उसी के लिए मैं थैंकफुल हूँ, और आपका भी मैं थैंकफुल हूँ कि आप अपना टाइम हमें दे रहे हो। बट आप जो कमेंट कर रहे हो ना, बैड कमेंट नहीं बोलूँगी उसको मैं गाइस, क्योंकि इतना बुरा कमेंट नहीं था, पर हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि घुसते हैं तो फिर आगे भी तो हम घुसेंगे ना, अब आपके बोलने से हम घुसना बंद तो नहीं करते हैं ना किसी के रूम में, वो तो हमारे फैमिली तो हम जाएंगे। माँ कौन सी बुक पढ़ रहे हो? माँ चीना की नॉवल पढ़ रही हूँ। अच्छा डिटेक्टिव बनना है आपको? हाँ। अच्छा अभी देखो आखिर वो पढ़ती क्या है। अच्छा डिटेक्टिव बनना है, इंटरेस्ट आता है जब मैं देख रही हूँ किसी इंटरेस्ट को, कब बैठे हैं शेरलॉक होम्स फेमस, आपको पता नहीं है? हाँ पता नहीं आपको? मैं सोच रही मैं वो चलेगी, मैं शुरू करके देखूँ एक बार कैसा लगता है, इतनी बड़ी बुक बताओ। हाँ वर्ड भी इतने छोटे हैं, नॉवल है ना बहुत ही, पढ़ के देखो। पढ़ूंगी अभी, वही देख रही हूँ। अच्छा समझ आएगी आपको? आ ही जाएगी। समझ क्या पता ना है क्यों नहीं आएगी, स्टोरी समझ में नहीं आती कभी किसी को, कभी कभार नहीं होता ना, ऐसे कैसे हो सकता है, लगता तो है आपसे समझ आ जाती है जी, ऐसा वो सीरियल की समझ में आती है, तो ये भी सीरियल ही होता है, जब भी इंसान पढ़ना शुरू करता है ना कॉमिक, पहले लोग क्या करते थे कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी वगैरह, चाचा चौधरी मोटू पतलू तो पढ़ते थे ना हम लोग, तो अभी नॉवल भी वही चीज है ना, एक स्टोरी तो होती है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है, फिर इंटरेस्ट अपने आप स्टोरी जो माइंड में घूमने लग जाती है ना, फिर अपना पता लगता है। मैं कोको को भी पढ़ाओ, ये भी केस सॉल्व करेगी चूहो को ढूंढने का, जो हमारे अलमारी के आसपास हमारे दीदी के यहाँ पे कमरे में घूम रहे होते, किचन में घूम रहे होते, तो बाहर से आ ही जाते हैं गली में से, तो वही ढूंढेगी ना फिर ये कोको
डिटेक्टिव बनेंगे तुम? डिटेक्टिव चश्मा लगाएंगे तेरे काले कलर का और साथ में एक टाई लगा देंगे काले कलर, साथ में बो लगाएंगे तेरे को डिटेक्टिव बना देंगे। मस्त लगी टोपी काले कलर की टोपी। चुहा चुहा ढूंढे देख रही कौ चुहा 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 आगे आगे चुहा उधर चुहा कैसा चल रही है ऐसे शातिर है हाँ शातिर कि चुहे को पता भी चले कि मैं आई बड़ी आई आई ये रहा चूहा ये रहा चूहा देख 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 चूहा पकड़ रही है तू ये रहा चूहा मेरी तो सुनती नहीं है बात। छोटी सी चुच्चू बंद करे मम्मा के मंदिर मंदिर बंद नहीं करते बेटा मंदिर बढ़ा रहे ये बोलते हैं। अच्छा बढ़ा रहे कृष्ण जी को और बाकी भगवानों को सुला रहे भगवानों को बाकी भगवानों को सुला दिया हमने पागल हो गए भगवान तो हम सुलाने लग गए ना अभी तो हो गया काम दुनिया हो गया मैं वैसे कह रहा हूँ बट हाँ भगवान को हमने सुला सकते पागल भगवान को सुलाना भी नहीं है भाई हाँ। वो तो आराम करने के लिए हम विश्राम दे रहे हैं बस विश्राम अवस्था में भेज रहे तो गाइस वोटिंग लाइन शुरू हो चुकी है और हम चाहते हैं कि आप हमारी फैमिली को सपोर्ट करो अरमान जी को पायल जी को और कृतिका मलिक को क्योंकि उनके ऊपर जो बड़ी मुसीबत आ गई है नॉमिनेट कर दिया गया उनको और हम नहीं चाहते है कि उनके ऊपर कोई जल्दी से घर पर आए हाँ, हम नहीं चाहते अभी तो उनको बहुत टाइम गुजारना है अभी हम 5-6 हफ्ते तो अच्छे से नहीं हाँ, 5-6 हफ्ते नहीं हम चाहते लास्ट वीक तक मतलब फिनाले तक होने चाहिए जीत के आने के ट्रॉफी लेके आएंगे तो बहुत ही वेल एंड गुड होगा बट अगर वैसा नहीं होता है इनके कम से कम फाइनल तक तो जाए फाइनल तक तो जाने चाहिए कृतिका को पायल को और अरमान जी लेकिन अभी पायल दीदी और अरमान जी हुए नॉमिनेट तो आप प्लीज उनको जाकर वोट कीजिए बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको जिताना चाहते हो किसको नहीं जिताना चाहते गाइस क्योंकि ये तो हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि किसको चढ़ाना है और किसको नहीं चढ़ाना है तो प्लीज हो सके तो उनको वोट कीजिए और प्लीज जितना हो सके वोटिंग लाइन खुली हुई है अभी तो वोट कीजिए और इस प्रॉब्लम से उन्हें निकालें ताकि दोबारा वो ये गेम को अच्छे से खेल सके। ओके तो गुड नाइट गाइस गाइस इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं गाइस और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ गाइस तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और आपका प्यार आपका सपोर्ट और आपका साथ और आपकी ब्लेसिंग चाहिए गाइस आपका थोड़ा सा टाइम हमारे लिए बहुत कीमती बहुत बहुत कीमती है गाइस तो आप भी जिनको समझते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर बाय।